चलिए दोस्तों, आ गए हैं ब्रेड से एकदम नया नाश्ते की रेसिपी लेकर के, जो कि झटपट से बनकर के तैयार हो जाता है बहुत ही कम टाइम में। तो इस नाश्ते को आप जिसे भी खिलाएंगे फ्रेंड्स, सब आपकी तारीफ करके ही जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते फिर रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किचन में आ गए हैं, ले लिया है थोड़ा सा इसमें बाउल में साबूदाना। साबूदाना को अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी से बढ़िया से इसको वॉश कर लेंगे। और उसके बाद साबूदाना में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और पानी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है जितने कि इसमें साबूदाना डूबे रहे। 10-15 मिनट के लिए इसे ढक करके रख देते हैं साइड में इसे फूलने के लिए। और तब तक हम यहाँ पर दूसरी तैयारी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे मिक्सी के जार, और यहाँ पर मैंने जो है नारियल को ग्रेट करके 2 चम्मच जितना इसमें ले लिया है नारियल का बुरादा, इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है थोड़े से काजू को धुल करके अच्छे से भिंगो करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर हम थोड़े से यहाँ पर काजू को भी इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची, और तीखा अपने स्वाद के अनुसार आप नाश्ते में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 5 मिर्ची का इस्तेमाल किया है। अब डाल दिया इसमें थोड़ी सी अदरक। अदरक डालने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसके पहले हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ब्रेड। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर जो ब्रेड होता है सबसे जो ऊपर है सबसे लास्ट का, तो ये अक्सर बचा रह जाता है, तो मैं इसका जो है इकट्ठे करके ब्रेड क्रम बना लेती हूँ, या फिर इसे जो है नाश्ते में इस तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो ब्रेड है इसे छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे, और अब इसे हम बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पानी नहीं ऐड करना है, बस इसे दरदरा हमें ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, और ब्रेड डालने से जो हरी मिर्ची और अदरक है ना, इसकी जो नमी है वो जो है ब्रेड, तो ब्रेड ने अच्छे से पानी को सोख कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से हमें एकदम ड्राई इसका पेस्ट चाहिए। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। अब ले लेते हैं यहाँ पर आलू। तो यहाँ पर आलू को हमने पहले से बॉयल करके रखा हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, आलू को छील करके हम तैयार कर लेते हैं, और आलू छीलते छीलते आप लोगों से कुछ बातें भी हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को फुल वॉच किया करिए, रेसिपी को स्किप करके मत देखा करिए फ्रेंड्स। और कब हमने कौन सी चीज़ें कहाँ पे डाली है फिर आप लोगों को अच्छे से पता नहीं चलेगा, और फिर नाश्ता आपका अच्छा नहीं बनेगा। इसके लिए आप लोग अच्छे से फुल वॉच कीजिए, और रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हर बार हम सोचते हैं कुछ नया रेसिपी आप लोग के साथ में हम शेयर करें, तो आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए और रेसिपी को फुल एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, बातों ही बातों में हमारा सारा आलू जो है छील करके तैयार हो गया है। अब आलू को हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे मैसर से भी मैश कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे ग्रेट करके ही आलू को लेती हूँ, क्योंकि ना ग्रेट करने से ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, और काम बहुत ईजिली जल्दी से हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर हमारे जो है सारे आलू भी अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम ब्रेड ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर आज जो है नाश्ता जो बना रहे हैं ना, उसमें हम 4 ब्रेड से इस नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा ब्रेड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 4 से 5 ब्रेड में ही आप नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, ब्रेड की जो किनारे होती है, साइड होती है, इसको हम काट के निकाल देंगे, और इसकी जो साइड होती है इसको भी फेंकने की आपको ज़रूरत नहीं है, इससे भी आप नाश्ता बना सकते हैं। और चाहे तो इसे जो है थोड़ा सा ड्राई करके, इसे कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करके आप इसे ब्रेड क्रम भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और अक्सर जब नाश्ता बनाते हैं तो ब्रेड क्रम का तो काम लगता ही रहता है, तो इस तरीके से आप जो है इसका ब्रेड क्रम भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये देखिए, हमें जो है इसी तरीके से ब्रेड को सारे को काट करके तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ब्रेड भी हमने सारे को काट लिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर से देखिए, हम आ गए हैं, अपने साबूदाना को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सारी तैयारियों के बाद में साबूदाना देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल चुका है, आप देख सकते हैं, और आपको हम दिखाते हैं ये कितने अच्छे तरीके से फूला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम साबूदाना को जरूरत के हिसाब से ले लेते हैं, क्योंकि हमें 2 रेसिपी बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़े साबूदाना बाउल में ले लेते हैं, और बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कितना खिला खिला साबूदाना जो है फूल करके तैयार हुआ है। अगर पानी आप अच्छे हिसाब से लगाते हैं ना, तो साबूदाना बहुत अच्छे तरीके से जो है फूल के तैयार होता है। तो साबूदाना अच्छे तरीके से देखिए टूट रहे हैं, तो साबूदाना बढ़िया से फूल चुका है। अब जो हमने आलू को ग्रेट किया है इसमें डाल देते हैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ही इसमें डालेंगे हम चाट का मसाला, और साथ में हम यहाँ पर थोड़ी सी डाल देते हैं काली मिर्च की पाउडर। तो काली मिर्च का पाउडर जरूर डालिएगा, इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। साथ में हमने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा तीखी वाली लाल मिर्ची, तो तीखा अपने स्वाद के अनुसार रखेंगे फ्रेंड। अब यहाँ पर जो हमने काजू और हरी मिर्ची अदरक का सब पेस्ट बनाया है ना, इसको भी हम इसमें डाल देंगे।
तो नाश्ता को जरूर ट्राई कीजिएगा। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पर डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। अगर आपके पास आलू उबले हुए रखे हैं तो 15 मिनट के अंदर अगर साबूदाना आप भिगो देते हैं तो आप आधा कप साबूदाना से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बना करके फ्रेंड्स तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमने डाल दिया है थोड़ी सी 1/4 चम्मच इतना हल्दी, और साथ में यहाँ पर जो हमने ब्रेड को काट करके तैयार किया था ना, सारे ब्रेड को हम ये देखिए इस तरीके से साबूदाना के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसलिए ब्रेड को डालने से ना ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। हम आपको आगे दिखाएंगे, बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बनेगा और ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सारे ब्रेड है ना, इसे अच्छी तरीके से हमें इसके साथ साबूदाना के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर हमारा डो देखिए बनकर के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पर आप जो कुकिंग ऑयल खाते हो वो डाल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ी सी करी पत्ता। करी पत्ता पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर डाल देने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हम इसे बारीक बारीक काट करके इसको डाल देते हैं। और हरी धनिया भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हरी धनिया काजू का पेस्ट डाला हुआ था तो हरी धनिया का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ों को हम फिर से एक बार अच्छी तरीके से स्मूथ मिला देंगे। इसको फिर से पूरी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। तो हाथों से ही कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा डो बहुत अच्छे से अब तैयार हो गया है नाश्ता बनने के लिए। तो चलिए झटपट से फिर नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम जो है, अब दोबारा से आपको हाथों में बिल्कुल तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बस आपको साबूदाना का छोटा सा पोर्शन ये देखिए लेना है इस तरीके से, और अपने नाश्ते का लुक इस तरीके से ये देखिए हमने दिया है। आप भी इस तरीके से नाश्ते को लुक दे सकते हैं, या फिर आपको जैसा शेप चाहिए फिर उस हिसाब से आप बना सकते हैं। पर इस तरीके से आप बना करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रेड और साबूदाना सब बना ये नाश्ता आप बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। जो भी खाएगा फ्रेंड्स आपकी तारीफ करके ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए सारे नाश्ते को इसी तरीके से बना करके तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है दूसरा भी बना लिया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड हमें सारे नाश्ते को पहले तैयार कर लेना है। और ऐसी बहुत सारी नाश्ते की रेसिपी है जो कि हमने पहले से अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग वहाँ से जा करके विजिट कर सकते हैं। और रेसिपी पे फिर से याद दिला देती हूँ फ्रेंड, रेसिपी पे अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हो सके तो छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हमारा नाश्ता सारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस पे फ्रेंड। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं, डाल देते हैं कुकिंग ऑयल, और तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो है तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, तो चलिए हम एक एक करके नाश्ते को डाल देते हैं। जितना एक बार में कढ़ाई में आ जाए बस उतना ही नाश्ते को हम इसमें डालेंगे। और फ्रेंड्स अगर बड़ी कढ़ाई है तो एक बार में भी आप इसे फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है डाल दिया है नाश्ते को। अब इसे हम ना फ्राई होने देंगे, इसे मीडियम आँच पर फ्राई करना है आपको, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम में नहीं। अब इसे हम बस इस तरीके से फ्राई होने देंगे, जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होगा तब इसकी हम साइड को चेंज करेंगे। तुरंत इसको जो है चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो ये नाश्ता जो है ना टूट सकता है और नीचे चिपक भी सकता है। तो इसे थोड़ा सा एक साइड जब फ्राई होगा तभी आप इसको जो है पलटिएगा। तो देखिए फ्रेंड हमारा नाश्ता जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे हम अब निकाल लेंगे, और ज़्यादा देर तक इसे फ्राई करेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा ये डार्क कलर हो जाएगा, क्योंकि जब ये फ्राई हो जाता है ना निकालने के बाद भी थोड़े से इसमें प्रोसेस होते रहते हैं फ्राई होने का। तो यहाँ पर कलर जो है बहुत ज़्यादा फिर डार्क हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कलर। तो यहाँ पर सारे नाश्ते को हम निकाल लेते हैं, और देखिए बिल्कुल भी आपको दिखाते हैं एकदम अच्छे से हम नाश्ते को निकाल करके, बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ये ड्राई बन करके तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लिए हैं, और इस नाश्ते को आप चाय के साथ में या फिर किसी चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म ये टेस्टी सा नाश्ता हमारा देखिए बन करके तैयार हो गया है। और अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाए तो इसे आप झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा डिलीशियस नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे सर्व करके आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने नाश्ते को सॉस के साथ में जो है एंजॉय किया है फ्रेंड्स। यहाँ पर नाश्ता देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी, कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। तो एक बार नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और चलिए हम आपको दिखाते हैं ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है।
ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है अंदर से एकदम, ये देखिए जालीदार है, एकदम सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वाददार है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी को फुल वॉच करने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे फ्रेंड, ऐसी नई रेसिपी के साथ हम जल्द मिलते हैं।